फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने हॉपस्कॉच और मिंत्रा का शॉपिंग हॉल। ये मैंने कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस खरीदी 5 to 6 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए, तो डिटेल्स और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी चेक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली जो है ये लॉन्ग गाउन है, पर्पल कलर की है। नीचे से ये पूरी प्लेन है और ऊपर लेस है, आप देख सकते हैं। इस पे जो फ्लावर्स हैं ये थोड़े दूर दूर है, लेकिन अगर आप पिक देखेंगे इसकी तो उसमें थोड़े पास पास है, वो ज्यादा भरा भरा और ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी ये ओवरऑल गाउन अच्छी लग रही है। ये मुझे 1004 रुपीज की मिली है, उसके हिसाब से ठीक है। नीचे प्लेन है, इसका कपड़ा सॉफ्ट है, इची नहीं है, तो बच्चे पहनने में भी इसमें कोई आनाकानी नहीं करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर जो इसका है नेट का कपड़ा है, इसके नीचे जो है ये सैटन का है और उसके नीचे जो लाइनिंग दी हुई है वो कॉटन की है। तो ऐसे थ्री लेयर इसकी है और सामने बड़ा सा बो बना हुआ है। अगर इसके अंदर केनकेन लगा दिया जाए तो ये बहुत फुली हुई दिखेगी, लेकिन विदाउट केनकेन भी ये बहुत अच्छी लग रही है। पीछे जिप है और पीछे का जो कपड़ा है ये सैटन का है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मैंने हॉपस्कॉच से ली है। नाउ ये सेकंड गाउन है, ये भी हॉपस्कॉच की है। ये मरून कलर की गाउन है। इसके सामने आप देखेंगे फ्रेंड्स पूरा लेस लगा हुआ है, ये बहुत ही प्यारी है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो उसमें रेड कलर की गाउन है, लेकिन ये रेड कलर की बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी मरून कलर की है और इसमें सामने फ्लावर्स बने हुए हैं और अलग से लेस लगी हुई है ऊपर से, और सामने छोटा सा फ्लावर है और यहाँ पे ये सैटन का कपड़े से ऐसे डिजाइन दी हुई है, और टाई करने के लिए भी ये सैटन का है जो क्लॉथ का मटेरियल है। सामने इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली जो है ये नेट है, ये नेट प्लेन है। इसके नीचे जो कपड़ा है जो ये वर्क वाली है ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर फिर एक सैटिन का कपड़ा है और उसके अंदर एक नेट दी हुई है, उसके अंदर फिर एक इनर है। तो ऐसा 3-4 लेयर इसकी गाउन की है। और इसका पीछे का पोर्शन जो है वो पूरा प्लेन है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं किया हुआ है, पूरा प्लेन है। जो सामने जो इस तरह की डिजाइन दी हुई है पीछे नहीं दी हुई है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और यहाँ पे इसका हाफ यहाँ तक जो ये जो कपड़ा लगा है वो सैटिन का है और इसमें जिप दी हुई है, पूरी लॉन्ग जिप है। ये मुझे पड़ी है 1539 रुपीज की। ये किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए बहुत अच्छी, इवन ट्रेडिशनल फंक्शन में भी आप इसे पहना सकते हैं। नाउ थर्ड ड्रेस पिंक कलर की है, ये भी मैंने हॉपस्कॉच से मंगवाई है और ये फुल स्लीव ड्रेस है। ऊपर का हाफ पोर्शन इसका ब्लैक है और नीचे का पिंक है। जो नीचे पिंक कलर की जो ये ड्रेस है ये नेट है, ऊपर का कपड़ा नेट है और अंदर और एक लेयर दी हुई है इनर के लिए, वो कॉटन का है। लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने बाद में देखा, ये यहां से ओपन है, ऐसा ये आपको दिख रहा होगा, तो यहां से ओपन है, यहां से स्टिच नहीं हुई है, बस ये ऊपर से ऐसे ओवरलैपिंग है तो ऐसा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ऐसा है। सामने जो नेट का कपड़ा है ये ब्लैक कलर के, इसके ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पे स्टिचेस की हुई है, ऐसा डिजाइन बना हुआ है और यहाँ पे एक लेस लगी हुई है।
ये मैंने 5 to 6 years के लिए ऑर्डर की है, लेकिन ये उसके हिसाब से थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है, काफी लूज भी है। अगर 4 to 5 years के हिसाब से भी करे 5 year old के लिए तो भी ये चल जाएगा। पीछे से पूरा प्लेन है ब्लैक और ये यहाँ ये बच्चे किसी फंक्शन में भी, डे के फंक्शन में ही पहन सकते हैं, या कभी मॉल वगैरह गए या बाहर गए तो भी पहनने के लिए ठीक है ये ड्रेस। बस ये एक साइज मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी है, अगर बच्चे थोड़े भी दुबले पतले हैं तो उसके हिसाब से ये बड़ी हो जाएगी ड्रेस। और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 849 की पड़ी है। नाउ फोर्थ और तो जो लास्ट ड्रेस है ये रेड कलर की है, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की है, तो आप ये देख सकते हैं ये ऐसी है। सामने इसमें जरी की एम्ब्रॉयडरी की हुई है और ऊपर ये नेक में पीछे जाके ऐसे करके हुक से बंद हो जाएगा, एक बटन दिया हुआ है उससे बंद करने के। बाकी ये पीछे से यहां से ओपन है, बैक इसका थोड़ा ओपन आएगा और पीछे ये पूरी ऐसे फ्लेयर आएगी और सामने भी ये काफी फ्लेयर वाली है, काफी ऐसे फुली फुली बहुत अच्छी लगती है। इसमें कई लेयर दी हुई हैं, तो पहली इसकी जो लेयर है ये नेट की है, नेट की इसने दो लेयर दी है, दो से आई थिंक तीन लेयर दी है, सॉरी ये तीन लेयर दी है। देन उसके बाद जो कपड़ा है एक शाइनी मटेरियल सा लग रहा है, बस ये इतना ही है। और ये मुझे मिली है 660 में, मुझे मिल गई है आफ्टर डिस्काउंट। इसमें छोटा सा एक फ्लावर भी बना हुआ है यहाँ, ये टाई होगा तो यहाँ पे एक बो आ जाएगा पीछे इस तरीके से, शायद आपको दिखेगा। इसका भी मटेरियल सॉफ्ट है, वैसे कोई इची वाला मटेरियल नहीं है, तो बच्चे इसे इजीली पहनेंगे। पीछे यहाँ पे इलास्टिक है तो इसमें फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है तो फिटिंग इसकी परफेक्ट आ जाएगी, बच्चे थोड़े हेल्दी हैं या पतले हैं तो भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।